भैया वो कौवा बिरयानी है, अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। कौवा बिरयानी ये सीन देखकर आपको रन मूवी याद आ गई होगी, और रन मूवी के वो तमाम सीन याद आ गए होंगे जब 5 रुपए में कौवा बिरयानी खा ली गई थी। मतलब ये कि चिकन बिरयानी के नाम पर कौवा बिरयानी बेचे जा रही थी और रण विजय साहब ने कौवा बिरयानी खा ली थी। बहरहाल कौवा बिरयानी खा के उनकी आवाज़ तो कौवे जैसी हो गई थी, लेकिन आम लोग अगर कौवा बिरयानी खा ले तो उनकी आवाज़ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूँ आपके साथ यासर मसरूर। अगर आप सड़क किनारे सस्ते खाना पसंद करते हैं या ठेलों पर सस्ती चीज़ें खाना पसंद करते हैं और आप अगर सावधान नहीं होते हैं तो आप याद रखिए कि आप भी इस तरह की कोई चीज़ खा सकते हैं। कौवा बिरयानी भी खा सकते हैं, बिल्ली या कुत्ते का मटन भी खा सकते हैं, क्योंकि ये सिलसिले वार केसेस सामने आए हैं जहां पर चिकन के नाम पर कौवा और मटन के नाम पर बिल्ली और कुत्तों का गोश्त भी परोसा गया है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के रामेश्वरम से एक मामला सामने आया है जहां पर खाद्य विभाग ने कुछ ठेलों पे छापे मारे और उन छापों में उन्होंने पाया कि ये चिकन नहीं है। दरअसल जिस चीज़ को लोग चिकन समझ के खा रहे हैं वो चिकन की शक्ल में कौवा है, मतलब कि वो कौवे का मांस खा रहे हैं। बिरयानियों के स्टॉल्स पर एक छापा मारा जहां 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। जब छापे में और चीज़ें देखी गईं, तलाशी गई, तो तलाशी में 150 मरे हुए कौवे मिले। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा लेकिन ये सच है, 150 मरे हुए कौवे मिले उन दुकानदार के पास। तो यानी आप समझ लीजिए कि किस धड़के से धड़ल्ले से चिकन बिरयानी के नाम पर कौवा बिरयानी लोगों को खिलाई जा रही थी, और लोग बेफिक्र थे क्योंकि शॉप्स और रेस्टोरेंट्स के रेट से काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है ये जो ठेले आपको सड़क किनारे मिल जाते हैं। तो यदि आप अगर ठेलों पर खाते हैं तो सावधान रहें, जाँच कर लें कि आप आखिर क्या खा रहे हैं। दरअसल रामेश्वरम में मंदिर पर कौवे काफ़ी आते थे। कुछ दिनों से वहाँ के पुजारी ने नोटिस किया कि कौवे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं और बहुत से कौवे उनको सड़कों पर और मंदिर के आसपास मरे भी मिल रहे हैं। मतलब कि अगर वो चावल जो लोग उनको दे रहे हैं वो खाकर वो मर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट उन्होंने पुलिस से की और पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू करी तो कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा जो कि कौवों को चावल खिला रहे थे। जब जांच की गई तो देखा गया कि कौवों को जो चावल खिला रहे हैं उसमें कुछ मिक्स है जिसे खाकर कौवा बेहोश या मर जाता है। फिर उन्हीं तस्करों से पूछा गया कि ये कौवे जो आप मार रहे हो, बेहोश कर रहे हो, उनको कहाँ ले जाते हो? तो उन्होंने ये बड़ा सनसनीखेज राज खोला कि इसको हम छोटी छोटी चिकन शॉप्स पे दे देते हैं और वहाँ से ये माल डिलीवर होता है ठेलों पे, जो रोड्स पे ठेले लगे होते हैं जो कि चिकन बिरयानी बेचते हैं। बिल्ली का गोश और कुत्ते के गोश, इन दोनों के मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं जब बिल्ली और कुत्ते के गोश को एज अ मटन के तौर पर जो है बेचा गया है। तो आज हम देखें कि हम आज किस जगह पर खड़े हैं, कि हम क्या खा रहे हैं, मीट के नाम पर हम क्या खा रहे हैं, क्या हमें परोसा जा रहा है। तो बेहतर ये है कि अगर कभी भी बिरयानी खाने का मन हो तो अपने घर में बनाएं, अच्छे से बनाएं, तस्दीक करके बनाएं, क्योंकि आपकी सेहत ही आपकी कुंजी है, सेहत ही आपकी ज़िंदगी है। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।